हेलो एवरीवन, ये रहा आपका बीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया का 2016 का क्वेश्चन पेपर और सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्लस मास मीडिया हिंदी। पेपर सेट ए है और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रहा आपका पेपर कोड। टाइम अलाउड है 1 आवर 45 मिनट्स। तो हम चलते हैं पहले सवाल पे। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, कॉपी पेन ज़रूर अपने साथ रखिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं जो कल आपके सामने क्वेश्चन बन करके आ जाएंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, कैसे ट्विस्ट लेता है, वो भी आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन ये सब समझ में तभी आएगा जब आप कॉपी पेन अपने साथ रख करके बैठेंगे। और अगर आप बैठेंगे तो आपको हंड्रेड्स ऑफ अदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। देखिए, पहला सवाल देखिए, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ दीज कॉजेज गोइटर। साइंस का सवाल है ये। तो गोइटर होता है हमारा आयोडीन की कमी से, ऑप्शन ए करेक्ट है। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से होता है एनीमिया, ठीक है। बाकी विटामिन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनकी कमी से अलग अलग रोग होते हैं, मिनरल्स की कमी से भी और कई रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ। तो डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, थर्ड इज चिपको वाज कंसर्न विथ सेविंग। किस चीज़ की सेविंग से कंसर्न था चिपको? तो चिपको के लीडर थे, चिपको एक मूवमेंट था जिसके लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा। वो रिसेंटली अभी ही डेथ कर गए हैं। और ये पेड़ बचाने से संबंधित था, एनवायरमेंट से रिलेटेड था। तो ट्रीज़, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट उस्ताद अमजद अली खां प्लेज। तो अमजद अली खां सरोद वादक हैं और उनके बेटे भी सरोद, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज इज़ फेमस फॉर इट्स राइनोज। तो राइनो के लिए फेमस सेंचुरी है काजीरंगा, और काजीरंगा कहाँ पे है? आसाम में, ऑप्शन बी सही है। व्हाट इज़ लेप्रोस्कोपी? तो लेप्रोस्कोपी क्या है? तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, लेप्रोस्कोपी, ऑल्सो नोन एज की होल सर्जरी और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फियर ऑफ क्लोज प्लेसेज इज कॉल्ड। क्लोज प्लेसेज जैसे सुरंग वगैरह में जाने पे लोग डरते हैं, तो उस डर को क्या कहते हैं? क्लेस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द राइटर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये बहुत अच्छी किताब है, बार बार इस पर सवाल आते हैं, चूंकि ये एपीजे सॉरी अब्दुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड है, तो इसलिए अब्दुल कलाम आज़ाद पे जामिया भी एक सवाल आना ही आना है, एक से ज़्यादा भी आ जाते हैं, 2-3 तक भी आ जाते हैं। तो अब्दुल कलाम आज़ाद इसके राइटर हैं। इसके अलावा एक और किताब इंडिया डिवाइडेड पे सवाल पूछा जाता है, उसके राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 देखिए, एंशियंट इज रिलेटेड टू मॉडर्न, मतलब अपोजिट हैं ये एक दूसरे के। इन द सेम वे ऑफन इज रिलेटेड टू, तो ऑफन अक्सर, तो अक्सर का मतलब कभी नहीं, अपोजिट हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा नेवर, आपका आंसर बन जाएगा। डांडी इज एसोसिएटेड विद, तो डांडी मार्च आपको याद होगा, डांडी मार्च जो कि 6 अप्रैल 1930 को ये एंड हुआ था, ठीक है, साल्ट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 11 देखिए, राजा रवि वर्मा वाज ही वाज ए पेंटर, फेमस पेंटर थे ये। 12 देखिए, तांतिया टोपे वाज एसोसिएटेड विद, तो तांतिया टोपे रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड थे और ये कानपुर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उस वक्त ये कानपुर में थे और कानपुर में इन्होंने अंग्रेज़ों की एक बड़ी टुकड़ी को बुरी तरह से हरा दिया था। हालांकि बाद में 1859 1859 में जाकर के अंग्रेज़ों ने किसी टाइम पर इनको पकड़ लिया था और फिर फांसी पर चढ़ा दिया जल्दी जल्दी में। 13 सेरेब्रल इज रिलेटेड, सेरेब्रल का मतलब होता है ब्रेन, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज एक्यूपंक्चर? तो एक्यूपंक्चर इज़ ए टेक्निक सिस्टम ऑफ रिलीविंग पेन, और ये चाइनीज है, तो इसको हम चाइनीज सिस्टम ऑफ रिलीविंग पेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, विच इंस्ट्रूमेंट डज पंडित रविशंकर प्ले? तो रविशंकर जो थे वो सितार वादक थे, अब तो एक्सपायर कर गए हैं, लेकिन उस समय उस तक वक्त जिंदा थे जब ये पेपर बना था। जंतर मंतर इज, तो जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी है एक, किसने बनवाई थी? राजा जय सिंह ने बनवाई थी। बाकी डिटेल्स आप दूसरे पेपर में पढ़ोगे तो वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। 17, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम बॉडी इज नोन एज डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी, वाटर लॉस हो रहा है तो उसके साथ सॉल्ट भी लॉस हो जाएगा। 18, हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो उस वक्त जब ये पेपर बना था अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, हालांकि ये करंट का सवाल है, तो अब आप फाइनेंस मिनिस्टर कौन है उसका ध्यान रखना। विद विच गेम इज़ विश्वनाथन आनंद एसोसिएटेड? तो विश्वनाथन आनंद एसोसिएटेड हैं चेस से, चेस के बहुत जाने माने प्लेयर रहे हैं। 20, ब्लड इज पम्प टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी बाय, तो ब्लड पम्पिंग का काम होता है हार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन भी हमने आपको काफ़ी हद तक जूम करके दिखाए हैं ताकि एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। साइना नेहवाल वॉन गोल्ड मेडल इन दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स इन, तो साइना नेहवाल आपको पता है बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, तो बैडमिंटन में ही जीतेंगी। देन 22, द फेमस बुद्धिस्ट स्तूप है सांची इज इन कौन से स्टेट में है? एमपी में है। देन 23, हु फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी? तो मुगल डायनेस्टी के फाउंडर थे बाबर। 1526, में इन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को, और इन्होंने नींव रखी थी मुगल डायनेस्टी की। नेक्स्ट इज इब्न बतूता द फेमस ट्रेवलर हु हैड कम टू इंडिया इन 14th सेंचुरी, वाज ए अफ्रीकन, मोरक्को के थे ये, तो अफ्रीका में है मोरक्को, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी थी जो उस वक्त की तमाम एक्टिविटीज़ को बताती है, शासन प्रशासन के बारे में अच्छी जानकारी देती है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और उसका नाम है रहला। हुआ तो मुगल एम्पायर ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, तो बहादुर शाह जफर थे ये, ऑप्शन डी करेक्ट है। 26, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन द ईयर 1919, 1919 13 अप्रैल इसकी डेट थी, 13th अप्रैल। रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे, और इस भीड़ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। 27, देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है सिनेमा की फील्ड में, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस साल किसे दिया गया है जरा ध्यान रखिएगा, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसकी तैयारी कितनी है, क्योंकि आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज बनाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये कब बनाया था? 1875, 1875 में। 29, अर्जुन अवार्ड आर गिवन फोर, तो अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 30, द हु रोड द प्ले तुगलक, तो ये लिखा था गिरीश कर्नाड ने, ऑप्शन डी आपका सही है। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ जापान, तो जापान की करेंसी आपकी येन, और अगर हम कयात की बात करें तो ये किसकी है? ये म्यांमार की है। पीसो बहुत सी जगह पर चलता है आपका, चिली, अर्जेंटीना, मैक्सिको वगैरह, और डॉलर भी इसी ढंग से अमेरिका का मेन है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर, अलग अलग कंट्रीज में भी डॉलर चलते हैं, कुछ करेंसी सीधे अमेरिकन डॉलर को भी फॉलो करते हैं कुछ कंट्रीज, सॉरी। 32, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, तो ये होते हैं एडमिरल। 33, ज्ञानपीठ इज एन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ, तो ज्ञानपीठ दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में। कंप्लीट द सेंटेंस, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, किसकी पोइम है ये? इसकी पोइम का सेंटेंस है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 35, देखिए ना न्यूज़पेपर पारावाडा इज टेकन आउट इन मॉस्को, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 36, ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, यूरोपियन कंट्री है ये एक। त्रिपिटकर्स आर सेक्रेट बुक्स ऑफ, तो ये बुद्धिस्ट की सेक्रेट बुक्स हैं, विनय क्या कहना चाहिए, विनय पिटाका, सुत्त पिटाका और आदिधम पिटाका। नेक्स्ट इज 38, टोडरमल वाज एसोसिएटेड विद, राजा टोडरमल अकबर के दरबार में थे और इंग्लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म से रिलेटेड थे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सुनीता विलियम, सुनीता विलियम एक साइंटिस्ट हैं जो कि एस्ट्रोनॉट भी हैं, मतलब वो स्पेस में जाती रहती हैं। देन चूँकि इंडियन मूल की हैं इसलिए ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 40, टीपू सुल्तान वाज रूलर ऑफ, तो ये मैसूर के राजा थे, बहुत ही जाने माने और बहादुर राजाओं में से एक रहे हैं, इन्होंने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की थी, और अगर किसी रीजन से ये बच जाती तो शायद अंग्रेज़ों को बहुत जल्दी हिंदुस्तान छोड़ करके जाना पड़ता। इन्होंने मैसूर की तीसरी लड़ाई में, एंग्लो मैसूर थर्ड जो वॉर थी उसमें अंग्रेज़ों को हराया भी था। 41, मेघालय लिटरली मीन्स अबॉड ऑफ क्लाउड्स, मेघ मतलब बादल। 42, द बुक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इज रिटन बाय संजय बारू। विलियम कैक्सटॉन इज एसोसिएटेड विद, विलियम कैक्सटॉन एसोसिएटेड थे प्रिंटिंग प्रेस से, इन्होंने 15th सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस की थी। 44 है, एरिट्रिया विच बिकम द 182 मेंबर ऑफ यूएन इन 1993 इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, तो ये अफ्रीका में है सूडान के बिल्कुल पास, यानी कि आप रेड सी के बिल्कुल किनारे पर कह सकते हैं, रेड सी के किनारे पर, ये अच्छा खासा बड़ा कंट्री है। 45, करनाल कमल अतातुर्क वाज रिवोल्यूशनरी लीडर ऑफ टर्की, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखेंगे केदारनाथ इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। 47,
बिल गेट्स इज एसोसिएटेड विद, तो बहुत ही जाना माना नाम है, माइक्रोसॉफ्ट के हेड हैं ये, सब कुछ मालिक भी हैं। 48 द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया नालंदा वॉज सिचुएटेड इन व्हाट इज नाउ बिहार। 49 हॉर्टिकल्चर इज द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन्स। देन 50 द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सीस्मोलॉजी। ये सवाल भी रिपीटेड सवाल है, बहुत सारे सवाल रिपीटेड सवाल हैं जो हम आपको बताते रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, तो ग्राहम बेल। उसके बाद ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, और कैंसर की किसी दवाई का नाम है सिस्प्लेटिन, एक दवाई है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है। 53 देखिए मायोपिया इज कनेक्टेड विद, तो मायोपिया आंखों की एक बीमारी होती है, और इसी ढंग से और भी दो तीन बीमारियां होती हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं, अभी डिटेल में नहीं बताएंगे, फिलहाल आप नोट करिए आईज की बीमारी है। विश्वनाथ आनंद प्लेज द गेम ऑफ, अभी सवाल शायद घूम करके आ गया, विश्वनाथ आनंद चेस के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। फाइलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस। ओके 56 मनोहर पारिकर इज इंडियाज, कौन थे ये, तो ये थे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, काफ़ी हद तक टाइम तक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रहे हैं। नेक्स्ट इज 57 अगरतला इज इन द स्टेट ऑफ, तो अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है, और ये उन गिने चुने शहरों में से एक है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत करीब है, आइजोल, अगरतला और एक छत्तीसगढ़ की कैपिटल, आपको नाम शायद याद होगा। ओके ये तीनों, इस पर भी सवाल आ चुका है इसलिए आपको बता रहे हैं। 58 द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज इन प्रेजिडेंसी टाउन्स ऑफ इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड इन 1857 में, सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी थी कलकत्ता के अंदर। द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ट बाय शेरशाह सूरी। 60 देखिए यस, कुलिवर्स ट्रेवल हैज़ बीन रिटन बाय, तो ये लिखी थी जोनाथन स्विफ्ट ने, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। 61 इन केस ऑफ अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द ज्वाइंट सेशन इज प्रेजाइडेड ओवर बाय, तो ज्वाइंट सेशन हमेशा जो है वो प्रेजाइड ओवर होता है बाय द स्पीकर, और बुलाता कौन है ज्वाइंट सेशन, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इस पर सवाल जब भी आएगा इसी ढंग से घूम फिर करके आएगा। 62 द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग द टेलीविजन गोज टू जेल पे हेड। 63 द एक्सहेल्ड एयर कंटेंस, क्या क्या होता है एक्सहेल्ड एयर में, काफ़ी कुछ होता है जैसे कि आपका ऑक्सीजन होती है 16%, 21 से घटकर 16% आ जाती है, CO2 थोड़ा बढ़ जाती है 4% हो जाती है, और नाइट्रोजन वहीं की वहीं एज इट इज तकरीबन 78% होती है, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे बनेगा, सी। नेक्स्ट राइट ब्रदर्स आर रिगार्डेड एज इन्वेंटर ऑफ एरोप्लेन। 65 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, तो आप जानते हो ये है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, यहाँ पे लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, 80 सीट्स हैं लोकसभा के लिए, और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 31 सीट्स हैं। 66 द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ यंग मेल ह्यूमन बींग इज़, तो ये होता है 120 80, सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। ठीक है 67 हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये होते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सही है। 68 तेलुगु इज स्पोकन इन, कहाँ पर बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में, और साथ ही साथ तेलंगाना में भी। 69 द ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को, वो फिल्टर कर देती है और हमें बहुत सारी बीमारियों से और तमाम तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को झुलसने से बचा देती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर के आती है। 70 द न्यूज़ एजेंसी राइटर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये बिलोंग करती है यूके को, इंडिया की कोई न्यूज़ एजेंसी आपको याद है तो आप ज़रा कमेंट करके बताइए। उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज एसोसिएटेड विद, तो ये शहनाई के जाने माने मास्टर थे। 77 देखिए बुकर प्राइज एसोसिएटेड विद, तो बुकर प्राइज लिटरेचर से एसोसिएटेड होता है, और एक और था मेन मैन बुकर अवार्ड, तो वो क्यों डिफरेंट है इससे ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 78 किताब उल हिंद वाज रिटन बाय, तो ये लिखा था अलबरूनी ने, और अलबरूनी किसके साथ इंडिया आए थे ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 79 ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ इफ्री का सवाल है आपके लिए, अरुणाचल प्रदेश। 80 इस्तांबुल इज अ सिटी इन टर्की। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो ये है आपका यूनिसेफ, ऑप्शन बी। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो फुल फॉर्म और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आप यूएनओ के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, साथ ही साथ यूएनओ की जितनी भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं उनके हेड ऑफिसेज भी याद रखिएगा, इनसे सवाल ज़रूर बनता है जामिया में, यहाँ पे भी 2-3 सवाल कम से कम यूएनओ से आए होंगे।
82 डे के पीछे द फॉलोइंग हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो ये है आपको विटामिन के। नेक्स्ट इज H1N1 इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो नोन एज स्वाइन फ्लू। इसके अलावा 84 डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो ये किडनी फेल्योर। लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डायबिटीज, तो ये होता है आपका इंसुलिन जो कि एक हार्मोन होता है और ये हमारे पैंक्रियास से निकलता है। शुगर की एक्सेस हो जाती है ऐसे केस में ब्लड के अंदर और वो फिर यूरिन के साथ बाहर निकलने लगती है। 86 हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो ये उत्तराखंड की रहने वाली बचेंद्री पाल हैं जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट क्लाइम किया था। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, हमने आपको पहले ही बताया था। 88 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 कहता है सन रेज गिव्स अस, तो सन रेज हमें देती है विटामिन डी और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट। इसके अलावा एक और बीमारी होती है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ विटामिन डी के जो लिमिटेड सोर्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, एक फिश से भी मिलती है, एग में भी कुछ क्वान्टिटीज़ की होती है, लेकिन मेन जो होता है इसका सोर्स वो सनरेज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हैवी रेनफॉल एरिया, तो हैवी रेनफॉल एरिया लद्दाख नहीं है क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे डेजर्ट है बट वो कोल्ड एरियाज हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे वेरी सरिस्का सेंचुरी, सरिस्का सेंचुरी है आपके राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। 91 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स ऑफ देयर एनवायरमेंट, तो ये होता है आपका इकोलॉजी। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट टीयर्स, तो ये होती है लैक्रिमल ग्लांड्स, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। पायरिया इज अ डिजीज ऑफ, पायरिया दांतों की बीमारी होती है, गम्स में होती है और ये प्रोटोजोआ अमीबा की एक वैरायटी होती है आप कह सकते हैं स्पेसीज उससे होती है। 94 ग्रैमी अवार्ड आर गिवन फॉर, तो ग्रैमी दिया जाता है म्यूजिक के क्षेत्र में एरिया में। उसके बाद 95 देखिए आप, 95 जस्ट मंट 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कंटेन द लिस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, तो ये होता है 8th शेड्यूल और 11th के सिलेटेड होता है पंचायती राज। और 12th फिर सवाल बहुत आता है वो होता है म्यूनसिपलिटी सिलेटेड। 10th तो आपको पता ही है दल बदल से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट 10th ही होता है। 96 द ब्रिटिश पार्टीशन इन बंगाल इन द ईयर, तो 1905 में किया था ये पार्टीशन इसका और ये री यूनाइट हुए थे कब, 1911 में और 11-12 कई बार होता है। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ टू हाउसेज, तो ये है आपका कर्नाटका। अब तो मजा का नाम की ट्रिक है, ट्रिक आप दूसरी वीडियो में देख लेना, वहाँ पे ये मिल जाएगी आपको। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स आपको ना सिर्फ याद रखने में मदद मिलती है बल्कि आप कन्फ्यूजन से भी बच जाते हो, टाइम बचाते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका, तो बहुत फायदा होता है ऐसी ट्रिक्स का। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाय, तो महात्मा गांधी ने लिखी थी और भी कई बुक्स लिखी हैं महात्मा गांधी ने, कई मैगजीन्स आती थी उनकी, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विद विच स्पोर्ट्स अभिनव बिंद्रा इज एसोसिएटेड, तो ये हैं शूटर, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में इंडिया के लिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज ए न्यूज़ एजेंसी, जैसे सिन्हुआ कहाँ की, चाइना की, तो इंडिया में ये अभी PTI है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका ANI है और अमरीका सॉरी वहाँ की हमने बात की थी यूके की, यूके के भी सवाल आया था अभी थोड़ी देर पहले, राइटर है। ठीक है, तो ये थे आपका 100 सवाल, ढेरों अदर इंपॉर्टेंट सवाल भी हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सवाल कैसे ट्विस्ट होगा आपको अंदाज़ा हो गया होगा, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सारे क्वेश्चन पेपर आपके सॉल्व हैं हिस्ट्री BA के और मास मीडिया के भी, आप रिलेटेड जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर के सब देख सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।